आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पिछले 8 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। बार बार लेह में आता रहा। लेह के हर समस्या के साथ मैं लेह के नेताओं को लेके आम जनता के साथ रहा हूँ। मेरा अपना कभी भी कोई व्यक्तिगत कोई मेरा स्टेटमेंट या कोई ऐसा मेरा नहीं रहा है। जो यहाँ के लीडरान सब लीडरान से मैंने काम किया है और सब लीडरान सब प्रमुख लोग जैसा कहते थे उस बात को मैं भी आगे बढ़ाता था। वो चाहे इंडिविजुअल हो, वो चाहे सामूहिक हो, मैंने हमेशा लद्दाख के हित के लिए, लद्दाख के अच्छाई के लिए जितना मेरे से हो सका उतना मैंने काम किया। पिछले से मेरे बारे में जो बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम लद्दाख की हर डिमांड के साथ हैं। एक ऐसे अखबार ने, जो अखबार नहीं है, एक प्रिंट मीडिया है, सोशल बुक का एक चलाता है, उस अखबार ने, द प्रिंट ने जब मुझे ये पूछा कि लद्दाख में बायकॉट हो रहा है चुनाव का, और उसने जब उसको कश्मीर के साथ जोड़ा, तब मैंने उस कश्मीर के बायकॉट को बकवास कहा। उसने मेरे इस स्टेटमेंट को गलत प्रकार से ट्विस्ट करके अपने मीडिया में दे दिया, जिसको यहाँ के लोगों ने और कुछ लोगों ने उसको मेरे बारे में, मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मेरे बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन मैं लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के सभी लीडरान को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है। मैं लद्दाख के हर डिमांड के साथ पहले से ही रहा हूँ, अब भी रहूँगा, आगे भी रहूँगा। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। और जो यहाँ की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड को हमेशा कहता रहूँगा जो यहाँ के लोगों की डिमांड है। लेकिन मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे बारे में इस प्रकार का प्रचार, एक बड़े ही विचित्र ट्विस्ट करके जो मेरा स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया है, उसके कारण एक माहौल यहाँ लद्दाख में बनाया जा रहा है। मैं अपने सारे सीनियर नेताओं को, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, उनको भी, उन्होंने भी, मैंने भी उनके साथ काम किया है, वो भी शायद इस बात को जानते हैं कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ और मुझे भी लोग इज्जत के साथ ही देखते हैं। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था। अगर फिर भी हमारे यहाँ के कुछ लोगों को, कुछ यहाँ के लीडरान को ऐसा लगता है, मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूँ कि ऐसा मेरे मन में कोई मंशा नहीं था। मेरे मन में ऐसा कोई, यहाँ जो भी लोगों की डिमांड है उसके बारे में मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं भी यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल आगे रहकर उनकी बात को आगे पहुँचाने में लगातार लगा रहूँगा। लेकिन जो मेरे बारे में इस प्रकार का प्रचार यहाँ किया जा रहा है वो गलत है। मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। मुझे यहाँ के सब लोगों से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के नेताओं से ये निवेदन है कि कृपया मेरे बारे में ऐसा दुष्प्रचार न करें। धन्यवाद।